राइट गाइस, तो अभी फिलहाल मैं आकर बैठ चुका हूँ अपने प्लेन में और ये फ्लाइट टेक ऑफ करके निकल रही है लिबर्टी सिटी के लिए। और काफी टाइम बाद मैं इस बड़ी वाली फ्लाइट में आकर बैठा हूँ। मतलब इससे पहले हम लोग अपना प्राइवेट जेट यूज करते थे लिबर्टी जाने के लिए, बट फाइनली हमारा प्लेन टेक ऑफ हो चुका है, जल्दी से पहुंचते हैं लिबर्टी। ऑल राइट गाइस, तो अभी फिलहाल अपना प्लेन पहुंच चुका है लिबर्टी सिटी के एयरपोर्ट पे एंड लैंड करने वाला है सामने एयरलाइन पे। बाय द वे, जिस बंदे से हम लोग मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं उसने हमारे लिए एक गाड़ी भिजवा दी है बाहर एयरपोर्ट के, तो मैं बस जाकर गाड़ी में बैठना है एंड हम लोग उसके फिर बिल्डिंग घर जो भी है उसका यहाँ पर वहाँ जाने वाले हैं और फिर देखते हैं आखिरकार क्या सीन होता है। फिलहाल प्लेन आकर लैंड कर चुका है, जल्दी से उतरते हैं और एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं। ऑल राइट, तो अभी फिलहाल मैं बाहर आ चुका हूँ एयरपोर्ट के, फटाफट से चलते हैं सामने पिकअप एरिया पे जहाँ पर उस बंदे ने मुझे लेने के लिए एक गाड़ी भेजी है जिसका नंबर है N895। बट यहाँ पर तो मुझे कोई भी गाड़ी पार्क हुई हुई नहीं नजर आ रही। वेट, एक ब्लैक कलर की कार आकर रुकी तो है, एक बार इसका नंबर चेक कर लेता हूँ, अगर यही हुई तो भाई सच में वो बंदा यही है N895। उस बंदे ने मुझे लेने के लिए एक रॉयल कार भेजी है, लेट्स गो भाई। मेरे को सचमुच में वो बहुत ज्यादा अमीर बंदा लग रहा है। गेट भी ऑटोमेटिकली क्लोज हुए हैं भाई इस कार के, डन, फटाफट से पहुंचते हैं। और अभी ये मेरे को स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास लेकर आ चुका है और यहाँ पर ये एक हेलीकॉप्टर है। क्या अब हम लोग हेलीकॉप्टर के थ्रू आगे जाने वाले हैं? यस। तो भी फटाफट हम लोग अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं। इसने मेरे को यहीं पर ड्रॉप करा है और सामने खड़ा हुआ है वो बॉडीगार्ड। वही मैं सोचूं यार, उस बंदे ने हमें लेने के लिए तो एक बहुत मस्त गाड़ी भेजी बट बंदा एक नॉर्मल सा भेज दिया, मतलब जिसको मैं मार के आराम से कुछ भी कर सकूं, बट ये है असली सिक्योरिटी गार्ड। फिलहाल अभी इसके साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर चलते हैं उस बिल्डिंग तक। मैं सही था, वो बंदा सचमुच में बहुत ज़्यादा ही अमीर है। लेट्स गो, जल्दी से पहुँचते हैं उसके घर पर और फिर चलकर उससे बात करते हैं। समझ नहीं आ रहा आखिर कब पहुंचेंगे, पहले फ्लाइट से यहाँ आए, फिर गाड़ी से यहाँ पहुंचे, हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, बट यार इस बार शायद फाइनली उससे मिल लेंगे। लेट्स गो, तो अभी फिलहाल लिबर्टी के मस्त नजारे एंजॉय करते हुए हम लोग पहुंचने वाले हैं उस बंदे के पेंट हाउस पे। मुझे बिल्कुल नहीं विश्वास हो रहा, मुझे लग रहा था कि किसी घर पर जाने वाले हैं या किसी बहुत लग्जरी प्लेस पे जाने वाले हैं, बट उस बंदे ने अपने पेंट हाउस अपनी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे हमें मिलने के लिए बुलाया है और ये हेलीकॉप्टर डायरेक्ट वहीं पर लैंड होगा, हमें कहीं पर भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। लेट्स गो, तो अभी फिलहाल अपना हेलीकॉप्टर लैंड कर चुका है इस हेलीपैड पे। फिलहाल अभी जल्दी से हम लोग हेलीकॉप्टर से बाहर निकलते हैं और चलते हैं उस बंदे से मिलने के लिए। फिलहाल मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ना यहाँ पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है, आखिरकार वो यार लिबर्टी का बहुत अमीर बंदा है, इतनी ज्यादा बड़ी बिल्डिंग उसके पास है, इतना लग्जरी पेंट हाउस, क्या मस्त व्यू आ रहा है यहाँ से। बाकी ठीक है, चलते हैं फटाफट से उसके पास और देखते हैं कि आखिरकार वो बंदा कौन है। वैसे वेट, ये ब्लू वाली रोल्स रॉयस सेम हमारे पास भी थी ना, मतलब काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद से वही वाली कार है। फिलहाल ये वो बंदा, फटाफट से चल के हम लोग इससे बात करते हैं। ऑल राइट गाइस, तो अभी मेरी फिलहाल इससे बात हो चुकी है और ये कह रहा है कि हमें शायद से घर के अंदर चल के बात करनी चाहिए। लेट्स गो, इसी बहाने हमें इसके घर के अंदर जाने का भी मस्त मौका मिल गया। बाय द वे, इसका घर काफी ज्यादा लग्जरी लग रहा है, चलकर अंदर से देखते हैं आखिर इसने कैसा बना रखा है। बाकी हाँ यार, इस टाइम ना मेरे को इसको पूरी की पूरी कहानी बतानी पड़ेगी शुरू से लेकर एंड तक कि हमने एक न्यूज रिपोर्टर को मारा था, फिर उसके बाद पुलिस हमारे पीछे पड़ गई, हमने फेक डेथ करी, सब कुछ, क्योंकि ये शायद से मेरे को एक लॉयर लग रहा है और शायद से कोर्ट में हमें बेगुना साबित करके हमें बचा ले। ओके, तो भी फिलहाल मैंने यहाँ पर बैठ के इसको पूरी की पूरी स्टोरी बता दी है और मुझे अच्छे से मालूम था कि ये बंदा इतनी ईजिली हमारे लिए काम नहीं करने वाला। मतलब ये कह तो रहा है कि हमें बेगुना साबित करा देगा, सारी प्रॉब्लम्स दूर कर देगा।